राहुल गांधी की भी अजीब समस्या है। वो चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, लेकिन चापलूस कांग्रेसी और उनकी मां सोनिया गांधी लगातार उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाकर रखना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेसियों को लगता है कि राहुल जब तक अध्यक्ष रहेंगे तब तक उन्हें मनमानी करने को मिलती रहेगी, और सोनिया का दिल तो माँ का दिल है, ऊपर से पार्टी पर कोई और कब्जा न कर ले इसकी भी उनको चिंता है। लेकिन राहुल भी ऐसे हैं जो अध्यक्ष पद छोड़ने की जिद पकड़कर बैठ गए हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि राहुल गांधी शुरुआत से ही अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ने की एक वजह मिल गई। पहले तो ये भी कहा जाता था कि राहुल गांधी का राजनीति में मन नहीं लगता। उनकी मां सोनिया गांधी जबरदस्ती उन्हें राजनेता बनाकर रखना चाहती हैं, और हालात भी अब ये बताते हैं कि राहुल गांधी का मन राजनीति से भर गया है। उनके कहने पर ही सोनिया गांधी ने प्रियंका को पार्टी में एंट्री दिलाई और महासचिव बनाया, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन जाएं और पति रॉबर्ट वड्रा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चलाएं। राहुल तो चुनाव में हार के बाद से ही अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें समझाया गया, कार्यकारिणी की बैठक हुई तो भी राहुल अध्यक्ष पद से इस्तीफे की जिद पकड़कर बैठे हुए थे, और आज भी राहुल का रवैया वैसा ही है। अब कितने दिन तक सोनिया और प्रियंका राहुल को मना कर रख पाते हैं यही देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।